नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज के चर्चा का विषय पंजाब का राजनीति। जबरदस्त हलचल हो रहा है, हर रोज हर अखबार में, हर वेबसाइट में, हर टेलीविजन चैनल में, सुर्खियां में पंजाब का खबर आ रहा है। तो मेरे साथ इस विषय के ऊपर विश्लेषण करने के लिए, पंजाब का राजनीति हम लोग समझने चाहते हैं क्या होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, मेरा साथ आज न्यूज क्लिक का दर्शक को उन्होंने अपने कीमती समय दिया, अध्यापक जगरूप सिंह सिखो, जाने माने प्रोफेसर है जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का जो राजनीति विज्ञान का जो विभाग है उनकी शीर्ष में था, इज द फॉर्मर हेड, और आज वो अमृतसर से मेरा साथ जुड़ रहे हैं। मैं अलग अलग व्यक्ति के बारे में आपसे कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। उसके पहले आप किस तरह से देखते हैं पिछले कुछ 10-12 दिन जिस तरह से हलचल हुई है पंजाब में, और आप जानते हैं 18 सितंबर मुख्यमंत्री, उस समय का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू जी का इस्तीफा, फिर उसके बाद उनका झगड़ा चला नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ, और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उन्होंने किया। ये अगर जो बिग पिक्चर, जो बड़ा छवि है, कैसे आप देखते हैं, कैसे आप विश्लेषण करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को ये मौका दिया, आपके दर्शन करने का भी और आपसे बात करने का भी। तो ये जो आपने बात की है, ये कैसे हुआ, ये क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, कांग्रेस के इतिहास में ये पहले भी हो चुका है। शायद आपको याद होगा कि जब बेन सिंह का मर्डर हो गया था 95 में, तो तब वो एक नए मुख्यमंत्री को लेके आए थे, हरचरण सिंह बराड़ जी को। हरचरण सिंह बराड़ जी जो थे वो भी एक साल उनको रखा, पर एग्जैक्टली 3 महीने पहले जो था उनको भी बदल दिया, और जो श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल थी, जो उस समय में कहते थे कि पहली जो विमन चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उसको जो था चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उसके बाद 97 में इलेक्शंस हुई, और हम सबको पता है कि जो 92 में इलेक्शन हुआ था बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हुआ था, कि उस समय में टेररिज्म पीक के ऊपर था, और उस समय में लोगों में डर दहशत बहुत थी, और बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 25% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मेन स्ट्रीम पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, और कांग्रेस को बहुत बड़ी, उसको उस समय में कहते थे, सफलता मिली थी। कांग्रेस को 87 सीट्स मिली थी। तो ये मैं कभी यार देखता हूँ कि ये बरतारा सेकंड टाइम जो है पिछले 25-26 साल में, 22-23 साल में दोबारा हो रहा है। अभी जो चेंज हुई है ये इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी 3 महीने पहले एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के जो जिसको राजनीति के कहते हैं कि राजनीति के, पंजाब की राजनीति के पितामह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबा समय जो उसके वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और उसके बाद वो उसके प्रेसिडेंट भी बने थे 3 बार, उसके बाद वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। बहुत कम चीफ मिनिस्टर हैं मेरे को लगता है कि जो लगातार जिन्होंने, मतलब कांग्रेस के जो है जिन्होंने 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे होंगे। शायद प्रताप सिंह कह रहे थे वो 8-8.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने 5 साल पूरे किए, दरबारा सिंह भी पूरा नहीं कर सके थे, और जो उसके बाद बेन सिंह आए वो भी पूरा नहीं कर सके थे। और ये जो घटना चक्र हुआ है इसके बहुत सारे कारण है। एक कारण तो ये अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए कि जिस किस्म का पिछले समय में देश में, जहाँ देश की राजनीति में जिस किस्म की लोगों की राजनीतिक जो होती है एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे पंजाब के लोग भी अछूते नहीं हैं। तो ये जो अमरिंदर सिंह का, खास करके 2-3 आस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो ये है कि जो 2017 में इन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए थे, और उस प्रॉमिसेस ही नहीं किए थे, उसको रिलीजियस इन्होंने कलर भी दिया था, होली जो ग्रंथ था उनकी, वो उस समय में उन्होंने इसको कहते हैं वो कसम भी खा ली थी कि मैं ये काम करूंगा। क्योंकि उससे पहले जो 10 साल थे अकाली रजीम था, उसमें हम सब ने देखा था कि वो जो सेकंड टाइम, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड था कि 2012 में अकाली दल वाले फिर
ताकत में आ गए, नहीं तो 67 के बाद ये अल्टरनेट होता था अकाली कांग्रेस अकाली कांग्रेस। तो उसके बाद जो उनका रूल बोल लीजिए, उसको जो मिस रूल बोल लीजिए, जो कुछ भी उसको कहिए आप, तो उस जमाने में काफी ज्यादा जो लोगों को लगता था कि ज्यादती भी हुई थी और ये सारे इशू जो बेसिक इशू है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले समय में, अभी उनकी बात करेंगे, कि लोग ज्यादातर जो अपने रोजमर्रा के इश्यूज हैं उनके ऊपर ही वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, खास करके जब इलेक्शंस का टाइम आता है। ठीक है, रिलीजन को हम रिलीजन इश्यूज को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, पर जो हम देख रहे हैं कि रिलीजन इश्यू जो है, जो जो वोटिंग बिहेवियर है, उतना ज्यादा डिटरमिन नहीं करता, जिसके प्रपोर्शनेट में जो रिलीजियस इशू एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, जैसे अब भी बना हुआ है। ये जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा उसके दो कदम पीछे हट के हमारे दर्शक के लिए बता देते हैं कि देखिए, उनका जन्म हुई थी 11 मार्च 1942 में, मतलब जब मुख्यमंत्री थे भारतवर्ष के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे, ही वाज द ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ये पहला बात है। अब जैसे बताया, इससे पहले भी 2002 और 2007 के बीच कैप्टन साहब पंजाब का मुख्यमंत्री थे, मगर अगर हम दो कदम पीछे चले जाएं और 1980 में जब वो लोकसभा चुनाव में जीत के आए थे, उस समय वो राजीव गांधी जी का दोस्त थे, उनका संपर्क था, क्योंकि दोनों देहरादून का दून स्कूल में पढ़ते। और फिर आपको याद है कि 84 साल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल चले गए, और फिर 1992 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल छोड़ के अपना पार्टी भी बनाया, शिरोमणि अकाली दल पंथी। फिर ये पार्टी कांग्रेस के साथ चले गए थे, और 1998 में जब उन्होंने निर्वाचन हार गया, उन्होंने चुनाव हार गया था। फिर आपने आपको ये भी मालूम है कि 2008 में, उससे पहले 2008 में जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जो सरकार था, वो आपको याद है कि अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का जमीन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट उनको बोला, उनको समर्थन किया, फिर भी उस समय उनको हटा दिया गया, उसको एक्सपेल किया गया। और मगर 2014 में भी वो जब लोकसभा चुनाव जीते, अरुण जेटली जी को 1,00,000 वोट से भी ज्यादा उन्होंने जिताया, और मार्च 2017 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बना। तो ये लंबा दौरान के बाद क्या हुआ, क्या हुआ पिछले 4.5 साल में कि अचानक कप्तान को बोला कि आप मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने खुद कहा, वो जब सोनिया गांधी जी से मिला था 3 हफ्ते पहले, वो 18 सितंबर को 3 हफ्ते पहले, उस समय सोनिया गांधी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, उनको वो बोला हम तैयार थे इस्तीफा देने के लिए। तो ये जरा आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए, कप्तान के ऊपर कांग्रेस का नेतृत्व क्यों नाराज हो गए थे और क्यों उनको नेतृत्व से एक तरह से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसलिए हुआ कि जो लोगों की डिससेटिस्फेक्शन थी इसके रजीम की तरफ, खास करके जो अमरिंदर सिंह का रजीम है, इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक उसके 2-3 कारण हैं कि एक तो इनकी एक्सेस जो थी ना, जो खास करके इनके और लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, MLAs हैं, MPs हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं, सिवाय 1, 2, 3, 4 को छोड़ के कहीं कोई एक्सेस नहीं थी। और अमरिंदर सिंह जी ने, क्योंकि बहुत बड़ी इनको जो जीत मिली थी, 77 सीट्स इन्होंने जीती थी 2017 में, तो उसके बाद इन्होंने को जो उनका इनसर्कल किया इनको, वो जो इनके जो USD थे या पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे, वो बीच में आ गए और उन्होंने एक किस्म का उसको घेर रखा। दूसरी बात ये हुई कि कोविड के समय में हमने देखा, जो उससे पहले भी अमरिंदर सिंह ने जो अपना सारा जो डेरा जिसको बोलते हैं, तो जो ऑफिशियल रेजिडेंस है या स्टेट सेक्रेटरीट्स है, वहां से शिफ्ट करके जो उनका प्राइवेट फार्म हाउस है चंडीगढ़ के बाहर 20-25 किलोमीटर बाद, वहां शिफ्ट कर लिया। पर सबसे ज्यादा बात यह है कि क्योंकि वो प्रॉमिस किए थे और ऐसे प्रॉमिस कर लिए थे ये शायद पूरे होने बहुत मुश्किल है। रीजन उसका ये हुआ था कि जो पंजाब का जो इकोनॉमिक हालत है, पंजाब का जो
रिसोर्सेज हैं या पंजाब की जो कैपेसिटी, पंजाब की मैं करता हूँ, जो हमारी इकोनॉमी है, वो जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो कहीं भी फिट नहीं बैठते। इन्होंने 129 पेजेस का इनका आप अगर उस समय का मैनिफेस्टो देखो तो उसमें लगता था कि जैसे जादुई तरीके के साथ ये सारे मसले हल कर देंगे। लोगों को भी लगता था, रीजन बीइंग ये है कि 2017 में ये लगता था कि जो अकाली दल के समय में बहुत बड़ी बातें हुई है, उसमें रिलीजियस वो सेक्युलरिज्म का इशू भी था, उसमें जो और मिस रूल भी था, उसमें एम्बेजलमेंट भी थी, उसमें करप्शन भी थी, उसमें गुंडागर्दी भी थी, उसमें हर चीज थी, उसमें जो ये होता है ना शराब वाले ठेकेदार भी थे, रेत बजरी वाला काम भी था, सब कुछ था उसमें। और लोगों को लगता है टू जीरो सेवन का जो जब चीफ मिनिस्टर था तो उस समय में खास करके जो प्रोक्योरमेंट का क्वेश्चन के ऊपर अमरिंदर सिंह की सरकार काफी बड़ी हालत में वो सक्सेसफुल रही थी, और लोगों को लगता था कि अकालियों के मुकाबले ये ज्यादा अफेक्ट होगा। ये बात ठीक है कि उससे पहले जो मेन कंपटीशन था वो कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का था, मतलब वन साइड केजरीवाल साहब थे और दूसरी तरफ महाराजा अमरिंदर सिंह थे। पर अब सबको पता है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो जो केजरीवाल साहब है, जो उनका एजेंडा था, जो उन्होंने वो हॉबनॉबिंग की, जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, ब्लंडर की, उसी से वजह से इनको बहुत प्रेफर किया अमरिंदर सिंह को, ये सोच के कि ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट, जो ये बात कहेगा। हाँ ठीक है कि 84 में इन्होंने वो एमपीशिप छोड़ दिया था, उसके बाद ये कांग्रेस में तो बहुत लेट आए। ये सुरजीत सिंह बनाड़ा की मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे, 97 तक ये अकाली दल में थे और 97 में बादल साहब ने इनको टिकट नहीं दिया था, तभी ये मुड़के कांग्रेस की तरफ आए थे। दूसरी बात ये है कि इनका अपना एक नेटवर्क है, इनकी अपनी जो, क्योंकि वो सारा जो खास करके फैक्शनल पॉलिटिक्स ज्यादा है, विचारधारा की बात यहाँ नहीं है, धड़ेबंदी है, और उस धड़ेबंदी में इनकी नेटवर्क है। ये भी सबको पता है कि उस नेटवर्क में जो जो खास करके मैं बात ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो पंजाब में जनरली जो पॉलिटिकल जो जो सिनेरियो इमर्ज हुआ है, जहाँ जो पॉलिटिकल पावर के सेंटर बने हैं, वो जो ये जो बड़े बड़े जो इसको बोलते हैं ना क्लास एंड कास्ट, अकाली दल में और कांग्रेस में एक ही बनी है उसमें। अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। आपने जो कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अध्यापक जगरूप जी, जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ है वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो शिरोमणि अकाली दल के एक तरह से एक गोपन एक तरह से रिश्ता था। आप जानते हैं मजीठिया जी के खिलाफ बहुत सारे आरोप थे, मगर कप्तान साहब को बोला कि आपने कुछ नहीं कर रहे, जो नशीली वस्तु जो जो क्रॉस बॉर्डर जो अफगानिस्तान से आते हैं नशीली वस्तु, उसको आपने कुछ नहीं कर पाया, ये सब आरोप और पलटा आरोप ऐसा चल रहे हैं। और कप्तान साहब बोल रहे हैं, जब हरीश रावत बोला कि आप बहुत ठेठ है, आप किसी की बात सुनते नहीं, अपना विधायक का बात नहीं सुनते, आप कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड का बात नहीं सुनते, आप और ये बात कप्तान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, बोला आप हमें अपमान किया, आई एम फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, ये एक बार नहीं बार बार उन्होंने कहा। और आज जो सवाल उठते हैं, और यही सवाल से आपको शुरू करता हूं, कप्तान साहब जब भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह से मिला, आप क्या समझते सिर्फ ये फार्म लॉज के बारे में और कृषक लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, कृषक का जो 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 कृषक लोग कहते हैं, किसान लोग कहते हैं ये काला कानून, इसी विषय के ऊपर बातचीत हुआ, नहीं और कुछ हुई? ये बिल्कुल नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि अब देखिए, जो मैं उसको वर्ड यूज नहीं करना चाहता, जो जो लास्ट जो ले लेंदा जो होता आखिर में जो था इशू एकदम क्यों भटक गया, ये चीज आप थोड़ा देखिए कि थोड़ा समय पहले 18 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले अमरिंदर सिंह जी ने एक बहुत बहुत सख्त बयान दिया किसानों के खिलाफ। उन्होंने ये बोला कि आप जल्दी यहाँ से समेट लो, पंजाब की इकोनॉमी तबाह हो रही है, आप दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाओ। वो वही बयान था जो लोगों ने ये समझा कि ये इनकी भाषा नहीं है, ये अमित शाह जी की भाषा है। और आप देखिए कि उस बयान के बाद जो थोड़ी बहुत ही सिंपथी अमरिंदर सिंह के साथ किसानों की थी, क्योंकि थोड़ा समय पहले इन्होंने गन्ने का रेट था वो 50 रुपए उन्होंने स्ट्राइक करके 2-3 दिन बंद करके इनसे बढ़वाया था, तो हमको लगता था कि थोड़ी सी सिंपथी इनके साथ होगी। पर जब इनका ये बयान आया है उसके बाद कांग्रेस को भी ये बात समझ में आने लगी, ये बात ठीक है,
अगर इनकी लीडरशिप के नीचे, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने वो भी कहा था कि मेरी लास्ट इनिंग है, इसके बाद मैं नहीं बनूंगा, मेरी इतनी उम्र हो गई है और नई लीडरशिप आएगी, पर पिछले 2-3-4-6-8 महीनों से वो ज्यादा एम्बिशियस हो गए। उन्होंने तो अपने पोस्टर भी लगा दिए कि मैं जो कैप्टन 2022 वाला है। पर एक बात बहुत क्लियर है, अगर कांग्रेस अमरिंदर सिंह की लीडरशिप के नीचे इलेक्शन लड़ती तो कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा भी था और कांग्रेस की हो सकता पॉसिबिलिटी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती। अब तो कुछ कह नहीं सकते एट द मोमेंट। रीजन बीइंग इज कि जो कहीं, इसीलिए वो लोग कह रहे काम तो किए जितने कर सकते थे, पर वही इनएक्सेस रही, करप्शन वजह की वैसे है। जो कोर इशू थे, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, प्रिजन का इशू था, प्रिजन वर्कर्स का इशू था, और जितने भी इशू थे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। आपने ड्रग्स की बात की, ड्रग्स इनके बस का रोग नहीं है, वो इंटरनेशनल वो सिचुएशन भी है। ये बात है कि इनकी कैपेसिटी भी नहीं है और विलिंग भी नहीं है, क्योंकि जो ड्रग का ट्रेड है उसमें जो बॉर्डर पे है, अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे आकर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इनका, पंजाब में खास करके मैं तो ये कहूंगा भी जितनी लीडरशिप है या जो सोर्स बड़े लोगों का रह गया है, वो ड्रग के बिना और क्या है ना, यहाँ इंडस्ट्री है ना, यहाँ ट्रेड है, एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत नीचे पहुंच गई है। तो ये जो ड्रग वाला मसला है एक सोशल इशू बन गया है, उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग विल चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ड्रग के ट्रेड में इन्वॉल्व हुए लोग पंजाब में बहुत कम रहते हैं, बॉर्डर में बहुत कम रहते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े और इलाकों में रहते हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो जो या हाँ नहीं बिल्कुल आपने ठीक कह रहे हैं। हम इस विषय के ऊपर और सारे मुद्दा है जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे आपके साथ, मगर जब जब हम व्यक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, एक और व्यक्ति जो आजकल जिसका हर दिन सुर्खियां में आ रहे हैं, ये है नवजोत सिंह सिद्धू जी। इनके बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम दे देते हैं पीछे हट के। आप सब जानते हैं, सब लोग जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनको सिक्सर सिद्धू कहते थे। 91 टेस्ट मैच खेला है, 136 ओडीआई और वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेला, और उस समय भी वो एक विवादित व्यक्ति थे। आप जानते हैं किस तरह से 1996 में लंदन से वापस आ गए क्योंकि हॉकी में, उस समय भारतवर्ष का क्रिकेट टीम का कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनके उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगा कि हमको अपमान किया। आप जानते हैं फिर उसके बाद वो टेलीविजन चैनल में छाए पड़े हैं, वो कॉमेडियन हैं, वो टीवी पर्सनालिटी है। ये भी आप जानते हैं वो अत्यंत विवादित एक व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी में 2004 में अमृतसर से उन्होंने जीता, फिर 2009 में भी जीता और 2014 में भी इन्होंने जीता, और 2016 में राज्यसभा का नॉमिनेशन मिल गया, फिर उन्होंने इस्तीफा दे के कांग्रेस चले गए। आप जानते हैं उनके बहुत सारे केसेस हैं। एक तो 1998 में आप जानते हैं जो वो अब रोड रेज वाला केस, हम आप जानते हैं क्या हुआ था, आप सब लोग जानते हैं गुरनाम सिंह, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने एक तरह से कन्विक्शन हुआ था, उनको दोषन सिद्धि भी हुई थी, मगर सिर्फ 1,000 रुपया का फाइन लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ आपने जानबूझ के उनका हत्या नहीं किया था। आप जानते हैं आज वो और भी कारण के लिए अत्यंत विवादित हो गए थे, और ये सारे विषय में एक बार बता देता हूँ और आप उसके बाद लंबा जवाब दे दीजिए। गोपाल सिंह चौला जी के साथ उनका तस्वीर खींचा, उन्होंने बोला हम मालूम नहीं है गोपाल सिंह चौला कौन है, कौन खालिस्तानी है, कोई नहीं है। हुआ पुलवामा घटना के बाद उन्होंने बोला पाकिस्तान का हर नागरिक को आप दोष नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गए थे। आप जानते हैं जब वो गए थे अगस्त 2018 में पाकिस्तान में, उनका आमंत्रण या इमरान खान जब शपथ ग्रहण किया, और फिर उसी समय आपका जनरल कमर जावेद बाजवा जी को गला लगाया, मगर उन्होंने बोला हमने जो वादा किया था वो हो गया। गुरु नानक जी का जयंती जो 550वें बर्थ एनिवर्सरी में आप करतारपुर कॉरिडोर खोल देंगे, बिना वीजा लोग जा सकते हैं, ये भी हुआ। फिर भी आज सिद्धू जी अत्यंत एक विवादित व्यक्ति है, और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ कहिए।
सिद्धू जी ये मालवा को बिलोंग करते हैं और ये 2004 में ये अमृतसर आए थे और इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इन्होंने जो इसका जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है जो अमृतसर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो चेंज कर दिया। अब देखें कि 1952 ऑनवर्ड्स 2004 तक ये जो इलेक्शन होती थी जहाँ से वही कैंडिडेट जीतता था इधर वो अर्बन होता था या वो हिंदू होता था। तो सिद्धू साहब के आने के बाद 3 बार ये जीते हैं, 4 में जीते थे, बीच में छोड़े थे तब जीते थे और 9 में ये लोग जीते थे। तो उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यहाँ आकर यहाँ से लड़ूंगा तो सारी उम्र यहाँ रुकूंगा और इसलिए उन्होंने घर भी बना लिया। अब थोड़ी देर पहले उनको ये समझ है कि पंजाब में अगर किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसका रास्ता जो मालवा रीजन है, 3 रीजन है, माझा है, दुआबा है, मालवा है। मालवे में 69 सीट्स हैं, दुआबा में 23 सीट्स हैं, माझा में 25 सीट्स हैं। प्रताप सिंह कैरो के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर माझा से नहीं हुआ। दरबारा सिंह जो दुआबा में गए उसके बाद सारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो मालवा के ही रास्ते थे। अब एक बात जो आपने बोली है कि इनका जो पाकिस्तान वाली बात है, ये बहुत बचकाना बातें होती हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ, ये जो अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं उससे टेररिज्म आ जाएगा, उससे खालिस्तान बन जाएगा और उससे ये चीज़ें हो जाएंगी। ये शायद बाहर में तो बहुत लगती होगी, अट्रैक्टिव लगती होगी पीपल ऑफ द स्टेट। हमने बहुत सारी ऐसे स्टडी CSDS के साथ की है, वहाँ हम पंजाब के लोगों को बार बार पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ, ये ऑल इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा गया था और पंजाब में जो लोग हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल कुछ लोगों को छोड़ के 5-10% लोगों को छोड़ के सभी लोग कह लेंगे कि हमारे पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। देश का बंटवारा हुआ, देश की लड़ाई हुई, चाहे 47 की थी, 61 की, 2 की थी, 65, 77 जहाँ टेररिज्म था, पंजाब के लोगों ने बहुत सफर किया और पंजाब का ये जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, बिफोर पार्टीशन ये बहुत डेवलप एरिया था। आप जानते हैं कि इसी एरिया में से लिटरेसी रेट बहुत हाई था 41 में, गदर मूवमेंट यहाँ से आई और लाहौर जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल कैपिटल थी, यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थी, वो सब कुछ था। अगर इसको ये बनाते, ये जो फिर ये लोगों की भावना के मुताबिक है कि लोग चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ हों, नॉट ओनली पॉलिटिकल रिलेशनशिप, हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी ठीक हो, वो हमारी एग्रीकल्चर को भी सूट करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी सूट करेंगे। अब दूसरी बात रही सिद्धू साहब एज ए पॉलिटिशियन और एज एन इंडिविजुअल, ये जो आपका सवाल है वो हम तुम सब जानते हैं, ठीक है। लीडरशिप जी, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए कि सबको साथ लेने में ही चल के चलना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको सबको साथ लेने में चलना होगा। यहाँ उनकी ये समस्या है, उनमें हम ये कह दिए कि जो इंडिविजुअलिज्म कह दिए जाए पंजाबी में उसको आप खुदरापन कह देते हैं, वो जो 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 उनके एक एलिमेंट है वो उसको डोमिनेट करता है। पर एक चीज बहुत है कि ये सवाल किसी से पूछ के देख लीजिए कि वो ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट, वो ईमानदार है, भले उसका जो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो क्रेडिबिलिटी होती है, बाकी तो डिवीजन होती है, उसकी विचारधारा के साथ हम सहमत हो गए, उसके काम करने के तरीके से कोई लोग सहमत हो गए कोई नहीं। ही इज एन इम्पेशेंट, इम्पेशेंट इसलिए भी हो सकता है कि उसको लगता है कि बहुत ये काम होने चाहिए, क्योंकि देयर इज ए प्रेशर फ्रॉम द बिलो। सर अब ये हो गया कि वी आर सारे देश में ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारा इतने समस्या इकट्ठी होगी, पंजाब में तो है ही है कि लोग इंस्टेंट जो है ना, जिसे मैं वो वर्ड तो नहीं यूज करूंगा कि जो तालिबान फरमान से कि इसका अभी फैसला होना चाहिए, ये हमको अभी मिलना चाहिए, ये जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे नशे का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, करप्शन का है, बेअबदी का मुद्दा है या और दूसरे मुद्दे हैं, उनका हल होना चाहिए। तो लगता है लोगों को कि ये एक बंदा है, ये शायद बंदा, इसकी समस्या तो ये है कि साथ लेके नहीं चलेगा, क्योंकि वी डोंट हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं हमारे, तो पार्लियामेंट, अगर चीफ मिनिस्टर भी बनेगा तो उसके साथ बंदे चाहिए। पर उसके साथ साथ ये भी उसका एडवांटेज है, जाके उसके लिए ये उसके गुण भी है, पर ये भी लगता है कि वो ज्यादा इम्पेशियंस हो गया। अभी थोड़े समय के वर्तारे में ये लगता है कि द पर्सन हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए पंजाब वो नाइट वॉचमैन नहीं है। भले इन्होंने आपने बहुत अच्छा बात किया जी, हमारे आज जो हमारा पंजाब का जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो नाइट वॉचमैन नहीं है। बहुत सुंदर बात ये, सिद्धू जी समझेंगे कि नहीं, मगर लोगों को बाहर से, हम लोग दिल्ली में बैठ के लग रहे थे
कि सिद्धू जी क्यों इतना नाराज हो गए हैं, क्या वो खुद मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं, वो खुद चाहते कि हमारे लोग गृहमंत्री बनेंगे, हमारे जो समर्थन करते हैं वो आप पंजाब पुलिस के चीफ बनेंगे, ये लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। क्योंकि आपने जैसे कहा कि सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो उम्र भी कम है मगर आपने कहा इम्पेशेंस है, हड़बड़ी में सब चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, और साथ साथ आप ये भी बताइए, अब जो अभी जो एक समझौता हुआ कि जो जो उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिसेस किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लागू करने के लिए 3 लोगों का एक समिति गठन किया, उसमें मुख्यमंत्री जी है, उसमें सिद्धू जी है, और साथ साथ AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हरीश चौधरी भी है। तो एक तरह से उनका भी बोला कि नहीं नहीं हम तुम्हें चाहते हैं, आप हमारे साथ रहो, तो ये समझौता टिक जाएगा और चुनाव तक टिकेगा, क्योंकि आने वाले 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं। सर ये बात है कि अब देखिए कि ये सारा तो स्ट्रगल फॉर पावर है, अब सभी लोग जानते हैं। अमरिंदर सिंह को इन्होंने साइड में करना था, और अमरिंदर सिंह को साइड करने में इनका जो साथ दिया, जो अमरिंदर सिंह के मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, जो अमरिंदर सिंह को उन्होंने पेट्रोलेज भी किया था, सब कुछ किया था, पर उनको ये पता चल गया था कि जो हमारे गांव में ये जो है, अब हम क्या बताएंगे, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो हमारी पीजेंट किसानों की मूवमेंट चलती है। मूवमेंट भरे दिल्ली में चल गई, पर मूवमेंट ने आम जनता को, आम लोगों को इतना एम्पावर कर दिया कि अब पहली बार उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि भैया आपने ये प्रॉमिस किए थे। पहली बात तो है कि किसानी में अब थोड़ा नई लीडरशिप आने की वजह से वो लिटरेट भी है, वो एजुकेटेड भी है, और वो उनका वो पैरोकियल इंटरेस्ट थोड़ा ऊपर भी है। यही कारण है कि 32 किसान जथेबंदियों का एक संयुक्ता किसान जो है मोर्चा बना हुआ है, फंक्शनल रिलेशनशिप बहुत है। इसके पीछे जो लोग गांव में बैठे हुए हैं, उनको जो डर होता था इनका, पॉलिटिशियंस का, MLAs का, MPs का, मंत्रियों का, वो डर सिर्फ उनके मन से ही नहीं उतरा, रादर वो उनसे ज्यादा मतलब ऑफेंसिव हैं। उनको पूछते हैं, जो पुरानी पार्टी अकाली दल के आपने 10 साल में किया, कांग्रेस को बोले आपके 60 साल में किया, वो बात उसमें आ रही। तो ये स्ट्रगल तो शुरू हो गई थी, तो इसीलिए उनको लगा कि अमरिंदर सिंह को हटाएंगे। हटाने के मामले में जो अभी जिसको होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, सुरिंदर सिंह है, तृप्त बाजवा जी है, सिद्धू साहब है, चन्नी बेचारा तो उस समय में आगे नहीं था, क्योंकि वो कई बार होता है सर, जो कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में जो डोमिनेंट कास्ट होती है ना, वो हर जगह ऑपरेट करती है, दूसरे तो बिहाइंड द कर्टन हो जाते हैं। तो इस स्ट्रगल फॉर पावर में जो निकला है चन्नी साहब, शायद उसका रीजन है क्योंकि ये एम्बिशियस तो है। हमको कई बार ये बात नहीं समझ आती कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट नहीं है, कोई जॉब करता हो तो उसको लगे भैया मैं तो लेट हो गया, अभी उनके पास टाइम, इतने ओवर एम्बिशियस क्यों है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, उसके आगे क्या है। पर चलो, हर एक की अपनी अपनी उसमें एक्सपेक्टेशन होती है। तो इन्होंने ये वे आउट लगा, उसके 2 kill 2 birds 1 stone होता था कि अगर इनमें सिद्धू के साहब में अमरिंदर सिंह साहब वो नहीं मान रहे थे, उनका भी एक धड़ा है, क्योंकि फैक्शन विद इन फैक्शन है, सिर्फ पंजाब की राजनीति में फैक्शन ही है, पार्टी में भी फैक्शन है धड़े, समझ गया। तो उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, इन्होंने दूसरों पे ऑब्जेक्शन कर दिया, तो बीच में वो चन्नी साहब जो निकल आए, और चन्नी साहब जो जैसे निकले बाद में, तो ये तो पहले तो यही सोचा था सिद्धू साहब को कि वो, क्योंकि पहले 2-3 दिन जो थे सिद्धू साहब उनको शाये की तरह उनके साथ साथ चलते रहे, जहां भी जाते गोल्डन टेम्पल में जाते तो भी आगे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसको क्रिटिसाइज किया गया पंजाब के लोगों ने, भैया 2 आपके डोमेन है, एक पार्टी का डोमेन है, एक गवर्नमेंट का डोमेन है, चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनका वो जो हो उनका एक अपना जो एक आपकी बाउंड्री है, उनकी भी आप एक जो है उनकी भी एक दूसरी पोजीशन है, आप उसको ज्यादा ओवर डोमिनेट ना कीजिए। क्रिटिसिज्म हुआ है 2-4 दिन पीछे हट गए। उसके बाद चन्नी साहब ने 2-3-4 दिन ऐसा बिहेव किया, सभी लोग कहने लगे कि ही इज बहुत मैच्योर आदमी है, लॉ ग्रेजुएट है पंजाब यूनिवर्सिटी से। रोक रहा हूं, दिल्ली में बैठ के, क्योंकि पंजाब का बाहर चन्नी जी के बारे में, मुख्यमंत्री चन्नी जी के बारे में इतने लोग को जानकारी नहीं है, मगर यहाँ का लोक माध्यम यहाँ बार बार कह रहे चन्नी जी को एक दलित नेता है, ये कह रहे, और
आपका मुख्यमंत्री जी जब बात किया, उन्होंने वो 2015 का केस जो गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के दिया था, वो आपका बरघारी गांव जहां वो कोर्ट का पूरा वो फरीदकोट जिला में जो दो व्यक्ति का हत्या हुआ था, उन्होंने बोला ये जो सैक्रिलेज केस, जो अपवित्रीकरण का जो केस है, इसके ऊपर दोबारा एकदम जांच होगा और जल्दी जल्दीबाजी से जांच कंप्लीट होगा। और साथ साथ हमारे चन्नी जी ने ये भी कहा, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद में शपथ ग्रहण के पहले पहला बार मोदी जी से मिला और प्रधानमंत्री की बोला कि आपने वो तीन कानून हैं वो रद्द कर दीजिए और आपका जो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो खरीद रहा है वो देर कीजिए, क्यों इस साल बारिश देर करके हुई है। ये सब बात किया और भी बात किया उन्होंने, जैसे आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का, आपका मुख्यमंत्री चन्नी जी भी कहा कि हम मुफ्त में बिजली दे देंगे। तो आप कैसे देखते हैं चन्नी जी का अभी तक उनका जो जो उन्होंने घोषणा किया और उनका जो रणनीति क्या होगा चुनाव के टाइम? सर, तीन मोटिव स्टेक होल्डर है, क्योंकि सारा कुछ इलेक्शन बहुत पास में आ रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा जो 2020 मैच है पंजाब की राजनीति में, समय में क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह गया है। तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सारी गेम में। एक तो कांग्रेस पार्टी लगा लीजिए, अभी तो अमरिंदर सिंह वहां ही बैठे हुए हैं। दूसरा आम आदमी पार्टी है। तीसरा जो है वो अकाली दल का, पहले बीजेपी के साथ होता था अलायंस, अब वो BSP के साथ चले गए। बीजेपी को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है पंजाब के लोगों से, किसानों से भी और लोगों के साथ से भी। अब जो चन्नी साहब ने, क्योंकि कुछ इशू तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिजॉल्व इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाले नहीं है, चाहे वो सेक्रेटरीज का इशू है, उसमें भी देखो कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें पहले भी एक कमेटी बनी थी, कई कुछ बना था, वो बहुत लंबा होता जाएगा। इमीडिएटली उसका अगर कह दें कि किसी को वो अभी लगा देंगे, अंदर कर देंगे, वो मुझे लगता है कि वो बात नहीं बनेगी अभी तक। दूसरी बात जो उन्होंने रेज किया, जैसे मैं भी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जितने कॉन्फिडेंस के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे थे, अगर आप वो उनकी तस्वीर देखें कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ वो लात के ऊपर लात रख के प्राइम मिनिस्टर की तरफ बैठे हुए हैं, और जो पिक्चर रिलीज की है उनसे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि मैंने तीन जो कानून हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बोला है, और उसके साथ ही क्योंकि अभी आज हमारे वहां शुरू होना था प्रोक्योरमेंट, तो वो प्रोक्योरमेंट को और पोस्टपोन कर दिया। ये तो शायद जहाँ तो ये जो क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, हरियाणा में प्रोक्योरमेंट फर्स्ट को होती है और पंजाब में होती है, वेस्टर्न यूपी में भी होती है, ईस्टर्न यूपी में शायद 15-20 अक्टूबर को होती है, पर जो दो मेन स्टेट्स हैं इनकी उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी। वो कहते हैं कि मैंने उसके बारे में भी बात की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो बातें की है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर रिलेटेड है, हमारी डेवलपमेंट उसके ऊपर रिलेटेड है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो मैं एज ए लेमैन जो इसका मैसेज मतलब निकालता हूँ, उनको लगता है कि चीज अपील कर रही है। अच्छा। कि कोई चीफ मिनिस्टर इतना ओपन तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये जो दो कोर इश्यूज है, क्योंकि इस समय सर जो कुछ भी होना इलेक्शन आएगी, मैं बहुत इसके बारे में मेरा अपना विचार है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की राय है, जो किसानों के इशू है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी उसको साइड में करके नहीं निकलेगी। किसानों का विश्वास अकाली दल में बिल्कुल जीरो हो गया। सबको पता है कि जब कानून बने थे वो कहाँ थे, किसान लिटरेट हैं, किसानों को पॉलिटिकल नॉलेज है, वो पॉलिटिकल बीइंग बन गए हैं। छोटा सा पंजाब है, आम आदमी पार्टी के चांसेस बनते हैं, पर द प्रॉब्लम इस आम आदमी पार्टी के साथ है कि वहाँ वन मैन आर्मी है। मेरा आखिरी सवाल है, वक्त कम है, ये आखिरी सवाल है। देखिए, आप तो ले पर्सन नहीं है, आप तो आम आदमी नहीं है, आप बहुत बारीकी से समझते हैं पंजाब का राजनीति, तो भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं है। और आने वाले अभी भी 4.5 महीना है, 5 महीना है, क्या होगा नहीं होगा समय बताएंगे। फिर भी आपका क्या लग रहा है? आपने बोला श्रोमणी अकाली दल कमजोर हो गए, भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हो गए हैं, तो इस बार जो चुनावी संघर्ष है, जो चुनावी लड़ाई है, किस तरह से होगा? और अलग अलग जिस व्यक्ति के बारे में हमने अभी अभी बात किया, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपना नवजोत सिंह सिद्धू, और अभी आपका मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का अभी मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी जी,
आप क्या देख रहे हैं आने वाले 4.5 महीने में क्या होने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपका भविष्यवाणी भी कीजिए हमारे दर्शक के लिए। सर ऐसा है कि जो इलेक्शन का आउटकम होता है, जो वोटिंग बिहेवियर होता है, जब वोट डालते हैं, तो मेरे ख्याल से दो तीन तीन चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले तो पार्टी को देखा जाता है, उसके बाद वो कैंडिडेट को देखा जाता है, उसके बाद मुद्दों की बात आती है। अगर इन दोनों तरीकों में देखा जाए, मेरे को लगता है कि मेजर फाइट अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी पॉलिटिक्स में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लास्ट मिनट में क्या बात हो जाती है, बट एट प्रेजेंट ये लगता है अकाली दल हाशिया पे है। इसीलिए आप देखेगा अकाली दल ने रैली शुरू की थी, लोगों ने उसको रोक दिया और उसके बाद वो जो पीछे हट गए। सबसे ज्यादा गुस्सा जो लोगों का वो अकाली दल बीजेपी सरकार थी उसके ऊपर थी, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें उस जमाने में जो है वो सारी खड़ी हुई थी, जो उनका 10 साल का रजीम था। अब बात रही आम आदमी पार्टी और ये जो दूसरा कांग्रेस पार्टी है, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो दिल से लोग जो इमोशनल तौर पे, भावनात्मक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे नहीं, दे आर विद द आम आदमी पार्टी। मतलब प्रॉब्लम जो आम आदमी पार्टी की है तो वो आगे पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे आपने और कहा वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी का भी सर ये है कि वो जो दिल्ली दरबार है, दूसरी बात में एक और थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, पंजाब में तो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है बहुत शार्प है, पीजेंट्स मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, हिस्ट्री भी है, अब भी है। तो जो खास करके केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का रोल रहा था, दो तीन क्रूशियल इशू में बात करूंगा। एक तो आर्टिकल 370 के ऊपर, और एक था जो CAA का जो था जो इशू था जो उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड था कानून, या उसके ऊपर, क्योंकि पंजाब के लोग और पंजाब की जो पार्टी होगी हमेशा स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करती है, वो फेडरलिज्म की बात करती है, वो डिसेंट्रलाइज की बात करती है, उनकी लड़ाई हमेशा दिल्ली दरबार के साथ रही है। तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल क्योंकि वन मैन आर्मी है, वो दिल्ली दरबार ही है, सारा कुछ सेंट्रलाइज है उनके हाथ में। इस सब संभावना होने के बावजूद वो पंजाब के लोगों के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है, वो आते हैं एक कमिटमेंट कर देते हैं, जाते हैं दूसरी कमिटमेंट कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक बयान दिया था कि मैं उत्तराखंड को एक हिंदुओं का तीर्थ स्थान बना दूंगा। अब माने ना माने, लोग इसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, और ये सारी बातें जो है, जो किसान आंदोलन आपके दिल्ली के आसपास में हो रहा है या गांव में हो रहा है, किसान आंदोलन की पंजाब में और देश की राजनीति को और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट की राजनीति को बहुत बड़ी देन ये होगी कि जैसे उन्होंने आम आदमी को एक पॉलिटिकल आदमी बना दिया। तो मैं सर ये कहता हूं कि ये जो मेन फाइट जो है इस समय में, मेरे को लगता है इस समय जो दो प्लेयर हैं विजिबल है, वो एक आम आदमी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। अकाली दल अभी भी तीसरे नंबर पे है, लास्ट टाइम भी तीसरे नंबर थे। अकाली दल अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर नहीं कर सका, क्योंकि जो उसकी लीडरशिप है, वो लीडरशिप लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। परसेप्शंस बहुत मैटर करती है, कहीं वो बड़े प्रकाश सिंह बादल होते थे, ब्रह्म प्रसाद होते थे, सब ओल्ड लेडी थे। अकाली दल में ये होता बारे में होता है कि ये लोग शरीफ होंगे, लोगों के साथ खड़े होने वाले होंगे, इनका ये जो है मदद करने वाले होंगे, पर ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो वैसी दिखाई नहीं देती। दूसरी बात है आपकी आम आदमी पार्टी, सभी पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी इमोशनल लेवल पे लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, आम आदमी उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा है, पर क्योंकि एक एक बड़ी पार्टी बनने के लिए, धिर बनने के लिए पार्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, कैंडिडेट दिखाई होने चाहिए, और मुद्दे उनके ठीक है, पर मुद्दे हमेशा हमने देखा कि पंजाब में जितनी इलेक्शन 2-3-4 हमने बहुत नजदीक से देखी है, पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पार्टी में जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी का लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो केजरीवाल साहब जी जो है शायद पंजाब में उतना उनका इंटरेस्ट नहीं है। 2-3 बातें मैंने बोली थी कि केजरीवाल साहब का स्टैंड जो था कश्मीर इशू के ऊपर, जो CA था उसके ऊपर, या रिसेंटली उनका जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो उत्तराखंड में ज्यादा दिखाई देता है और उसमें शायद वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस का एडवांटेज, अगर चन्नी साहब ये 2-3 महीने 4 महीने हैं टोकन के तौर पे ये बता दे कि हम करना चाहते हैं, हमारे पास विल है, पॉलिटिकल विल है, इन केस हमको मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो मसले हल हो जाए। मसले स्ट्रक्चरल है, खेती बड़ी क्राइसिस है, 3 कानून वापस भी हो जाएंगे, खेती का मसला हल होने वाला नहीं है, मार्जिनलाइजेशन बहुत हो गई है,
अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट भी है, बहुत कुछ और मसले हैं, उसके लिए विल भी चाहिए और उसके लिए कमिटमेंट तो होनी चाहिए, तो उसके लिए जो लोगों का विश्वास भी उनके ऊपर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल यही बातें होंगी जो आने वाले समय में डिटरमिन करेंगे। अध्यापक जी समय बताएंगे, सचमुच राजनीतिक इच्छा शक्ति चन्नी जी के पास है कि नहीं, क्या होगा, आम आदमी पार्टी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये समय बताएंगे। आने वाले 4-4.5 महीना बाकी है, तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत बारीकी से सरल भाषा में न्यूज क्लिक के सब दर्शक को आपने पंजाब का जो राजनीति है ये समझा दिया, और ये क्यों आज 2020 मैच बन गया ये भी आपने समझा दिया, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा उम्मीद है कि आने वाले महीना में आपके पास हम लोग दोबारा आएंगे आपका राय सुनने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी।